एंड वेर आई एम गोइंग एंड द पर्सन गिविंग मी 600 एंड दे अभी नहीं बता सकता भैया कैमरे के सामने। ग्रेजुएशन किस चीज में किया? बीए बीएससी? नहीं पता भैया, यहाँ पे जब नौकरी नहीं मिलती ना तो आदमी लेबर ही बनता है। लेबर है। खत्म करो प्लीज 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 स्टॉप द माइग्रेटिंग ऑफ पीपल एंड गिव हिम वर्क एट अवर प्लेसेस। ब्रदर बात तो ये है बस सीधी सी कि हमारी सरकार को ऐसा काम करना चाहिए कि सबको नौकरी मिले और कोई भूखा ना मरे। बस आप क्या करते हैं वैसे? पर अभी एट अ टाइम आई एम डूइंग अ जॉब एट लेबर लेबर एज अ लेबर यू आर वर्किंग हियर 600 डेली एंड वेर आई एम गोइंग एंड द पर्सन गिविंग मी 600 एंड दे वांट टू वर्क अबाउट 1000 1200 1400 बट दे आर गिविंग मी 600 ओनली। 600 से ज्यादा कोई नहीं देता भैया। Just they are saying they will offer to you 600, 1200 rupees and 1400 rupees. No. They are giving only 600. No. I am just saying to you. पर वर्क लेते हमसे इतना काम हमसे 1200-1500 का लेते हैं पर देते 600 ही है। 600 रुपए देते हैं। Okay. ये बताओ कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपने? इंदौर शहर। इंदौर से कहा है? मतलब किस चीज में ग्रेजुएशन किया? अभी नहीं बता सकता भैया कैमरे के सामने। ग्रेजुएशन किस चीज में किया? बीए बीएससी? नहीं बता सकता। फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल से आपने फार्मा की डिग्री है? डी फार्मा वगैरह कुछ डिग्री है आपकी? जी बी फार्मा। डी नहीं, बी फार्मा है। अभी बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आपके पास में बी फार्मा की डिग्री है तो आपने मेडिकल के फील्ड में जाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों लेबर बने घूम रहे हैं आप? भैया यहाँ पे जब नौकरी नहीं मिलती ना तो आदमी लेबर ही बनता है। लेबर है सच में। आप ये समझिए कि लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग नहीं है इस वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है। ये बंदा हमारे साथ में खड़ा हुआ है और ये बी फार्मा किया है आपने? बी फार्मा किया हुआ है उसके बाद यहाँ पे लेबर कर लेबरी गिरी जो होती है उसमें काम करते हैं। कितने रुपए मिल जाते हैं भैया? 600 रुपए। 600 रुपए मिल जाते हैं। मेरी 40,000 तनख्वाह थी शिपला में तो छोड़ के दिए इंदौर शहर में। व्हाई डिड यू लेफ्ट? आई डोंट लेफ्ट ऑन माय वे बट आई वांट टू डू जॉब एट अ दिल्ली एंड आई वेयर व्हेन आई बिकम हियर एंड देयर इज वेरी लॉक ऑफ लैक ऑफ जॉब्स सो खर्चा वगैरह मेरा उससे चल जाएगा। सबसे पहले ये समझिए, एक बार सबसे लोग निवेदन करेंगे भैया के लिए ताली बजाओ पहले एक बार सब लोग ताली बजाओ कि पढ़े लिखे हैं भैया, पढ़े लिखे हैं और उसके बाद में लेबरेगिरी कर रहे हैं। कारण क्या है कि इनको काम नहीं मिल रहा है बी फार्मा करने के बाद में। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यू नो भैया निवेदन आपसे यही है कि कोई ठीक ठाक काम ढूंढ लो। और सिप्ला इसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में आपने काम किया है, ठीक ठाक काम ढूंढ लो यार। लेबर गिरी छोड़ करके कुछ देश की तरक्की में वैसे भी योगदान देते हैं लेबर, आप और भी अच्छी जगह पहुंच करके योगदान दे सकते हैं। इफ माई कंट्री डोंट वॉन्ट टू योगदान, मतलब मेरी तरफ से योगदान, क्योंकि पता जब हम इंग्लिश बोलते थे ना, सीखते थे जब 8th-9th में थे हम। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट है? पोस्ट ग्रेजुएशन किसमें हुआ है? बी फार्मा करने के बाद फिर क्या हुआ? एम फार्मा किया है? जी बी फार्मा भी किया है, एम फार्मा भी किया है, उसके बाद लेबर गिरी कर रहे हैं। बताओ तो मेरे को लगता है फिर यार डिग्री तो नहीं ले ली खाली की, बस डिग्री ले ली पढ़ाई ना की हो। बिल्कुल आपको लगता होगा तो उसमें क्या है रीजन ये ना, क्योंकि अगर इतनी पढ़ाई करने के बाद में भी अगर आपको ये काम करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हमें लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। ढूंढने पे सब कुछ मिलता है, ढूंढने पे लोग कहते हैं भगवान मिल जाता है। तो जॉब ना मिले, एम फार्मा बी फार्मा। बड़े भैया चोर भी मिलते हैं यहाँ पे, चौक है ये। मैं जिस दिन आया था आनंदगढ़ रेलवे स्टेशन पे तो मेरा फोन चोरी हो गया, मेरे जेब में से पैसे निकल गए, मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड सारी चीजें निकल गई, रूम का 2.5 महीने किराया बाकी था। मैंने ये सोचा कि यहाँ पे डेली मिलता, डेली में अन्न करके कमा के अपना किराया दे दूंगा, अपना रहने लग जाऊंगा। उस चक्कर में फंस गया बस। मैं बेरोजगारी की बात करूंगा, मैं योगी जी से और मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ जो लेबर वार्ड है, सवेरे सवेरे से लोग 8 बजे आ जाते हैं, यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है। और मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग यानी पैसे का सिस्टम बढ़ाएं और बेरोजगारी को खत्म करें। और मैं चाहूँगा सभी लोगों से कि यहाँ पर जो लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं इनको थोड़ा बहुत काम दिया जाए, और काम के साथ साथ जो सभी लोग आ जाते हैं इनको, ये जो दारू का ठेका है यहाँ लोग दारू पी के घूमते हैं और चोर चपाटी करते हैं, यहाँ सवेरे सवेरे आ जाते हैं, इसकी पाबंदी लगाई जाए।
मैं यही सब लोगों से कहना चाहूंगा और ये जो बेरोजगारी की समस्या है इसके लिए कोई समाधान किया जाए। तो हम यहाँ पर आए हैं और कई लोगों ने कई बार हम आपको मुखातिब करा चुके हैं कई लेबरों से उनकी समस्याओं से और हम बार बार यहाँ पे आएंगे भैया आप लोगों से मिलने के लिए कि जिससे कि देखिए एक बार में कुछ नहीं होने वाला जब तक हम लोग बार बार आवाज नहीं उठाएंगे। सही बात है, जब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जो आया था लेबर में तो मेरे पास भी कुछ नहीं था डॉक्यूमेंट जिसमें मुझे सिक्योरिटी में इंचार्ज में किया है। मैं भी बी ब्लॉक से ही सिक्योरिटी हूँ, एसएसएस सिक्योरिटी से हूँ मैं, एसएस सिक्योरिटी से जी। तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं था, मुझे फिर भी जाकर के ले जाकर के मुझे कंफर्म कराया है। तो मैं अभी भी उसी में ही चल रहा हूँ, रात में ड्यूटी कर रहा हूँ, दिन में जाकर के यहाँ पर मार्केट में भी इंजॉय कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। और लेकिन ऐसे सिक्योरिटी में 12 घंटे ड्यूटी होती ना? हाँ, 12 घंटा मैं कर रहा हूँ, मुझे भी जाकर 13,500 दे रहा है। 13,500 12 घंटे ड्यूटी और छुट्टी कितनी है? संडे वनडे कुछ? संडे कोई छुट्टी नहीं दे रहे हैं, संडे की कोई छुट्टी नहीं है। चलिए हम इस मुद्दे पे आपसे बात करेंगे बाद में किसी और दिन, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है जी, जिनको एक संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती है कि ये मतलब 7 के 7 दिन काम करना है, 365 दिन काम करना है, 24 घंटे काम करना है, कम से कम एक छुट्टी अपनी जिंदगी को बिताने के लिए कई सारे काम होते हैं, कई सारे वो भी पैसा देने में फिर भी नहीं देते हैं पैसा, वो भी अभी बोल रहे थे कि 15 तारीख को मिलेगा। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि मैं इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा सिक्योरिटी गार्ड का, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड को इकट्ठा आप इकट्ठा कर सकते हैं, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड अपना नंबर दे दीजिएगा, सिक्योरिटी गार्ड का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको मैं जरूर उठाऊंगा और सरकार से और आला नेताओं से ये निवेदन करूंगा कि अगर इन सबको रोजगार देना है तो आप अपने क्षेत्र में रोजगार दीजिए और इसकी व्यवस्था आप कीजिए, क्योंकि अगर ये बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद में माइग्रेटिंग खत्म करो, प्लीज 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 स्टॉप द माइग्रेटिंग ऑफ आवर पीपल एंड गिव हिम वर्क एट आवर प्लेसेस। कोई बाहर ना जाए, सबको अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने राज्य में रोजगार मिले, कोई बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर ना तो इज्जत होती है, सिक्योरिटी तो बिल्कुल कम होती है। आप बिहार से हो, मैं यूपी से हूँ, एमपी से हैं, कहीं से भी हैं, हम कहीं से भी हैं, अगर हम यहाँ के रात में सो भी जाते हमारे पास कमरे तो साला चोरी हो जाती है, हमारे साथ छीनते हैं। तो प्लीज हमको हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे गांव में रोजगार दीजिए, बस हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। 8 लोग ले लेंगे रात में, रात में एक गाड़ी वाला आया यहाँ पर बी ब्लॉक के सामने, तो वहाँ पर एक प्लीज प्लीज शीशा तोड़ने पर वो भी अगर निकला हुआ मोबाइल उसको लेकर के भाग गए हैं बी ब्लॉक के सामने, चलो भागे हुए हैं हम। चलिए हम आपकी समस्या को सुनेंगे, रुकिएगा मुझे नंबर दीजिएगा अपना, ठीक है। हम आपसे यही कहेंगे आला नेताओं से, आला अधिकारियों से, जो आला प्रधान होते हैं, जो छोटे नीचे लेवल पे लोग होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, उनसे निवेदन रहेगी कि इनको इनके घरों में काम देने की कोशिश कीजिए और ये आप ही करेंगे, क्योंकि सब कुछ मोदी योगी नहीं करेंगे और सब कुछ इनको रोजगार देने का मोदी योगी नहीं कर सकते, इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप अपने क्षेत्रों में किस तरीके से रोजगार को पैदा कर सकते हैं, जिससे कि ये सारे लोग जो पीछे देख रहे हो इनको यहाँ पर अपने क्षेत्र को छोड़ करके ना आना पड़े और इनको अपने घरों पर काम मिल सके। और निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप ऐसा दिमाग लगाइए, मोदी योगी सब कुछ यही करने नहीं आएंगे, आप ध्यान रखिएगा। और दोपहर की क्षमा चाहेंगे भैया, हम दोपहर के 11 बज रही है पर अभी हमको भरोसा नहीं कि शाम की रोटी मिलेगी ना मिले, क्योंकि अब काम नहीं मिलेगा 11 बजे के 10 बजे के बाद काम नहीं मिलता चौक पे। हमको ये भी पता कि शाम की रोटी शायद हम खा पाए या भूखे सो जाए, अगले दिन खाली पेट दोपहर तक हम मेहनत करेंगे तब जाके लंच के कुछ पैसे मिल जाएंगे। मार्केट में कई बार लगता भी है काम कर, हम किसी और दिन बात करेंगे। हम फिलहाल इस बात को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि इन लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाइए, जिससे कि इन सारी लोगों को काम मिल सके, तमाम लोगों को, और निवेदन रहेगी इनको स्थानीय लेवल पर काम देने की कोशिश कीजिए। आप थे रवि के साथ देश हित पर, बहुत बहुत धन्यवाद।